यदि आपने नया बिजनेस शुरू किया है, आप यंग एंटरप्रेन्योर हो और सीसीडी का मतलब केवल कैफे कॉफी डे समझ रहे हो, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। तो सीसीडी ऑल्सो स्टैंड फॉर कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है एंड इसकी चर्चा कंपनीज एक्ट 2013 में है। सो सेक्शन 7 के अंदर सब सेक्शन 1 में कंपनी एक्ट के डिबेंचर के बारे में बताया गया है। उसके अलावा सेक्शन 73 भी पढ़ना पड़ेगा और साथ में आप डिपॉजिट का डेफिनेशन भी पढ़े कंपनी एक्ट में। तो इन तीन जगह पे आप डिबेंचर के और डिबेंचर को कैसे इशू कर रहे हैं और किस तरीके के डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। मैं एक बेसिक आउटलुक यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ताकि आप इंटेलिजेंटली इसको पढ़ पाएँ और अपने कंपनी सेक्रेटरी से या चार्टर अकाउंटेंट से या जो भी आपके प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं उनसे इसकी चर्चा कर पाएँ और पूछ पाएँ कि क्या एग्रीमेंट और क्या प्रोसीजर होगा इसको इशू करने का। तो पहली बात तो कि डिबेंचर बहुत तरीके के हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं, इंटरेस्ट बेयरिंग हो सकते हैं या नेकेड हो सकते हैं। नेकेड का मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है उस पर। इसके अलावा जीरो कूपन भी हो सकते हैं, तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। उनके उसमें नहीं जाते हैं डिटेलिंग में क्योंकि हमारा टॉपिक सीसीडी है एंड विच इज कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो जब ये तीनों सेक्शन आप पूरी तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि डिबेंचर तो हर तरीके के इशू किए जा सकते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड इशू करने के लिए कंपनी का लिस्टेड होना ज़रूरी है। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड हो, एसएमई हो, स्टार्टअप हो, तो डेफिनेटली लिस्टेड नहीं हो, तो आप अनसिक्योर्ड तो भूल जाओ। तो आपके पास ऑप्शन है कि सिक्योर्ड। सिक्योर्ड के लिए आपके पास एसेट होने चाहिए जो आप डिबेंचर ट्रस्टी को दोगे, एक ट्रस्ट बनवाओगे एंड यू नो मेनी अदर रेगुलेशन कि आप सिक्योर्ड डिबेंचर कैसे इशू कर सकते हो। बट एक स्टार्टअप के पास, एंटरप्रेन्योर्स के पास, आपको भी मालूम है कि अनलेस कि दहेज में मिला हो या माँ बाप का दिया हुआ बहुत सारा एसेट हो, मॉर्गेज करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और यदि है भी तो आप अपने से कुछ करना चाहते हो, माँ बाप के एसेट पे नहीं खेलना चाहते, तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। सो क्या क्या एज्यूम कर लिया मैंने कि आप अपना एसेट यदि है भी तो लगाना नहीं चाहते, और दूसरा ये है कि आपके पास एसेट है ही नहीं। लॉ बोलता है कि आप अनसिक्योर्ड इशू नहीं कर सकते यदि आप लिस्टेड नहीं हो। तो अब दोनों चीज़ों को मिलाएं तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पास रास्ता यही बचता है कि हम अनसिक्योर्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक एक थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे कि कन्वर्टेबल कर देंगे उसको, थोड़ा सा इक्विटी का कैरेक्टर मिला देंगे कि अभी तो हम इक्विटी इशू नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये जो बॉन्ड है या डिबेंचर है वो एज ए इक्विटी कन्वर्ट करा जाएगा। अब कन्वर्जन के लिए भी प्राइस वगैरह फिक्स होनी चाहिए, फ्लोर एंड कैप की भी चर्चा होनी चाहिए। इन्वेस्टर के साथ आप बैठ के फ्लोर की, कैप की, इंटरेस्ट रेट की, इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग करिए, इस पर फाइनलाइज करिए अपने टर्म्स को। बट सीसीडी लीगली अलाउड है फॉर ए स्टार्टअप एज वेल। तो सीसीडी क्यों अच्छा है स्टार्टअप के लिए? एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ आपको कि जब आप अपना काम शुरू करते हो, कोई भी काम, उस समय आपके पास प्रोटोटाइप नहीं होता या आपको दिखाने के लिए फाइनेंशियल्स नहीं होते, तो इन्वेस्टर आपको क्यों बिलीव करे या आपकी वैल्यूएशन को भी क्यों माने? ऐसे सिचुएशन के अंदर डेट लेना भी कई बार अच्छा होता है, वो भी ऐसा डेट जिसके लिए आपका घर बार नहीं बिकने वाला। तो आपने डेट ले लिया, बाद में वो कन्वर्टेबल है, थोड़े बहुत प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर को एक ग्रीड होता है कि यदि कंपनी अच्छा कर गई तो मैं इसका शेयर होल्डर बन जाऊंगा, पार्टनर बन जाऊंगा। तो इस विन विन सिचुएशन दोनों के लिए अच्छा है। उनके पास तुरंत एक छोटी सी कंपनी में घुसने की कंपल्सन नहीं होती, आपके पास अपनी ओनरशिप तुरंत डायल्यूट करने की कंपल्सन नहीं होती। तो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट ये विन विन सिचुएशन है। तो
जैसा कि मैंने बोला, ये 3-4 सेक्शन कंपनी एक्ट के, अपने प्रोफेशनल एडवाइजर से बात करिए, और फुली कन्वर्टेबल, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करिए, दैट्स अ गुड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द इंडियन लॉ। एंड इससे पैसे से आप अपना 6-8 महीना, 1 साल, जैसा भी आपका जेस्टेशन पीरियड है, इसको निकालिए, अपना थोड़ा फाइनेंशियल बिल्ड करिए, ताकि आपका वैल्यूएशन या आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो है उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल डेटा हो जाए और उसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। इसके बाद आपकी वैल्यूएशन भी अच्छी होगी और आपको कम ओनरशिप डाइल्यूट करके ज़्यादा पैसा लेने का मौका मिल जाएगा। तो आई थिंक ये अच्छा तरीका होगा कि आप शुरू शुरू में ही अपना सारा ओनरशिप डाइल्यूट करके माइनॉरिटी में ना घुसें और पैसे भी चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड मैकेनिज्म जहां आप दोनों फायदे उठा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टर को भी एक अच्छा ऑप्शन दे रहा है कि उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू दिन से उनको पार्टनर बना लें, या आप उनको बेसिकली अपने धंधे के अंदर जो उनको नहीं पता है उसके अंदर खींचें या उनसे मेंटरिंग लें। सो इट्स अ गुड मैकेनिज्म, विन विन सिचुएशन, एंड गो फॉर इट, एंड इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टअप एंड SME क्लास। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप इसको यूज भी कर पाएंगे रियल लाइफ में। एंड कोई गूगल ज्ञान नहीं है तो प्रैक्टिकली आप ऐसा कर सकते हैं, बट मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि अपने एडवाइजर से ज़रूर सजेशन लीजिएगा, बिकॉज कुछ एग्रीमेंट, कुछ कन्वर्टेबिलिटी के क्लॉजेज, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल यूज द नॉलेज इम्पार्टेड हियर एंड इट विल बी गुड फॉर योर बिजनेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल कीप कमिंग अप विद यू नो मोर कॉन्सेप्ट एंड मोर नॉलेजेबल वीडियो अबाउट योर स्टार्टअप एंड हाउ टू रन योर स्मॉल कंपनी एंड मेक इट बिग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू।